हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, जहां पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे 2022 में हाल ही में अमेज़न प्राइम के ऊपर आई हुई सीरीज गिल्टी माइंड्स के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये सीरीज 10 एपिसोड्स का है और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट के बीच, तो सारा एपिसोड्स देखने के लिए आपको लगभग 8 घंटे लगेंगे। तो अभी ये सीरीज बेस्ड है सूट्स के कॉन्सेप्ट पे, जो एक अमेरिकन ड्रामा सीरीज था उसी पे बेस्ड ये एक इंडियन वर्जन है, लेकिन लॉयर्स का ही कॉन्सेप्ट उठाया गया है। बाकी सारा स्टोरी लाइन, सिचुएशन और ड्रामा टोटल इंडियन बेस्ड ही है। तो एक दिल्ली बेस्ड लॉयर सीरीज है, जिनके अंदर आपको विविध प्रकार का कोर्ट रूम ड्रामा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस देखने के लिए मिलेंगे, और हर एक केस के अंदर सिर्फ यही दो लोग भिड़ेंगे, या फिर ऐसे समझ लो सिर्फ इन्हीं की फर्म्स भिड़ेंगी। भेंडी इस सीरीज के शहर में ऐसे लगता है कि सिर्फ यही दो लॉ फर्म्स है और कोई लॉयर्स है ही नहीं, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े अलग लॉयर्स भी दिखाए जाएंगे। रियल लाइफ सिचुएशन, ओरिजिनलिटी और प्रैक्टिकलिटी लाने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित है। कोर्ट रूम के बाहर टोटल मेलो ड्रामा। इस सीरीज की कहानी मोस्टली बेस्ड है वरुण मित्रा और श्रेया पिलगांवकर के ऊपर, जिनकी कॉलेज से ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अभी अलग अलग लॉ फर्म्स के लिए काम करते हैं। श्रेया का अपना खुद का लॉ फर्म है और वरुण मित्रा एक दूसरे लॉ फर्म के लिए काम करता है, जिसके अंदर वो खुद एक पार्टनर है। लेकिन इस सीरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस वरुण मित्रा और उसके लॉ फर्म के ऊपर डाला गया है। अभी वरुण मित्रा और श्रेया पिलगांवकर के बीच लव इंटरेस्ट बताया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ वन साइडेड ही है, और दोनों की एक कॉमन दोस्त होती है सुगंधा गार्ग, जिसे एक लेस्बियन बताया है, और एक बड़े पॉलिटिशियन का लड़का और एक पब ओनर दीपक कारला। मोस्टली इस सीरीज की कहानी इन्हीं के बीच घूमती है, और कोर्ट रूम ड्रामा के अलावा हमें इनकी पर्सनल जिंदगी भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसी के साथ हर एक एपिसोड एक नए केस के साथ आता है, जिससे जुड़े हुए अतरंगी कैरेक्टर्स के साथ आपका रूबरू कराते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा का चस्का भी चटाया जाता है। अभी हर सीरीज के अंदर कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी। इस सीरीज की स्क्रिप्ट यानी कि डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, कैरेक्टर्स भी बड़े तरीके से स्टोरी लाइन के अंदर सेट किए गए हैं। कोर्ट के अंदर एक केस को कैसे लड़ा जाता है, इसका भी बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया है। कास्टिंग बहुत ही अच्छे से हुई है, मतलब हर एक एक्टर हर एक कैरेक्टर के अंदर अच्छे से फिट किया गया है। बाकी इसके अलावा पूरा घिसा पीटा इंडियन स्टोरी लाइन है, उन्हें लगा कि वो लोग एक असली जिंदगी के बारे में दर्शा रहे हैं, जैसे कि प्यार किसी और से करता है लेकिन दारू पीकर सो रहा है किसी और के साथ, जानते हुए कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन जब उसका प्यार उसके पास आ रहा है तभी वो सुलझे हुए गलती को उसके सामने बताकर अपने प्यार को और उलझा रहा है। जो लड़की कोर्ट रूम में दूसरों के हक के लिए लड़ती है और उनके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ मांगती है, खुद अपने घर में एक जज होते हुए भी खुद के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ मांगने से हिचकिचाती है। दद्दू एक अनजान लड़के के लिए अपने बच्चे और पोते के खिलाफ जा रहा है। लेस्बियन की लाइफ एकदम जलसे में चल रही है। स्टोरी लाइन में कोर्ट रूम के बाहर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ मसाला और ट्विस्ट डालने की कोशिश की है, लेकिन वो बिल्कुल भी सफल नहीं होता, और ऐसे लगता है कि जबरदस्ती का डाला हुआ है। सच मानो मैंने ये सीरीज सिर्फ टाइम पास के लिए ही देखा। उसके अलावा सबकी एक्टिंग ओके है, इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, एकदम नॉर्मल एक्टिंग किया हुआ है। जो स्क्रिप्ट्स उन्हें दिए गए हैं कोर्ट रूम के रिलेटेड बहुत ही अच्छे है, कंसाइज्ड है, और केस टू केस रिलेटिवली मैच होती है और उन केसेस से बहुत ही अच्छे से मेल खाती है। सनी देओल का फेमस डायलॉग, फिर से तारीख दे रहे हैं, उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। उस तारीख को बस कुछ ही मिनटों का खेल बना के रख दिया है। रियल कोर्ट केसेस और उनके बीच रहने वाले तारीख के अंतर का इन लोगों ने तो मजाक बना के रख दिया। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि दो दो तीन तीन महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है, गैप्स मिलता है, और इतने अपने इंडिया में केसेस पड़े हुए हैं कि साला मतलब 100-100 साल लगते हैं केस सॉल्व होने के लिए, लेकिन इन चूतियों को ऐसे सिर्फ एक ही दिन में या दो ही दिन में केसेस के डेट मिल जाते हैं। वाह, इस सीरीज में कोर्ट सिर्फ राइटर्स के फेवर में ही चल रहा है, थोड़ा असल जिंदगी में जाकर देखो, कोर्ट और इंसाफ तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी नहीं है। टीवी सीरियल जैसे ही बनाया है, ना ही कोई ढंग का डायरेक्शन या फिर कोई अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक। ये सिर्फ बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, अमेज़न प्राइम के ऊपर इसे 16 प्लस का रेटिंग मिला है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही बनाई गई है। तो बच्चे एडल्ट्स के साथ और एडल्ट्स बच्चों के साथ बैठ के बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन फैमिली फ्रेंडली है तो फुल फैमिली साथ में बैठ के इस सीरीज को देख सकती है। ये सीरीज सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और एक विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं, तो मेरे हिसाब से ये 8 घंटे का सीरीज मैं आपको सिर्फ 70% ही रेकमेंड करूंगा। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना कुछ खास और जबरदस्त सीरीज नहीं है, और इसीलिए मुझे भी इसके अंदर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना था।
था, एक टाइम पास सीरीज है। आपके पास अगर देखने के लिए कुछ ना हो तो जाकर ये सीरीज देख सकते हो। इस सीरीज के अंदर आपको इन मेन कैरेक्टर्स के अलावा इन केसेस के रिलेटेड आपको करिश्मा तन्ना, शक्ति कपूर ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे और कुछ अच्छे जज के रोल में भी देखने के लिए मिलेंगे। इस सीरीज में से बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स है जो हम लोग को पसंद आएंगे या फिर पसंद ना भी आएंगे, लेकिन जो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा या फिर हमेशा इस कैरेक्टर को मैं कॉमेडी रोल में देखता हूं तो एक थोड़ा सा सीरियस और एक अलग हटके कुछ रोल में देखने के लिए मिला, तो वो था ये सनंद वर्मा। अपने रेगुलर चूतिया कॉमेडी रोल के अलावा एक अलग हटके रोल में भी अच्छा लगता है। तो सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा के अलावा बाकी पूरा सीरीज थोड़ा सा बोर है। एक केस जो थोड़ा सा बड़ा है और उसका एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको इस सीरीज के एंड में ही देखने के लिए मिलेगा, वो ही थोड़ा एक्साइटिंग है, बाकी इतना कुछ नहीं। तो अभी ये सीरीज आपने देखना चाहिए या नहीं ये आप ही डिसाइड करो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज कैसा है कैसा नहीं। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा छोटा सा ब्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल ब्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो घंटे के दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का ताकि जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मैं दूसरे ब्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल दैट टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।